दोस्तों नमस्कार, हम ओलंपिया से आए हैं और थैंक्स टू ऑल योर सपोर्ट, आप जितनी भी सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से हम दोबारा ओलंपिया में ब्रॉन्ज मेडल लाए। इज द फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन टू ओलंपियास। लास्ट ईयर हमने गोल्ड जीता, इस टाइम हमने ब्रॉन्ज जीता और हमारे साथ सारे बच्चे जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, सभी बच्चे, हमारी टीम वर्क है, छोटे बच्चे आगे जो तैयार होने हैं उन सबको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लाइन है इधर, जो सब मुकेश सिंह और मुकेश सिंह से आगे भी जाना चाहेंगे। ये मुकेश सिंह का मेडल है, हम यहाँ नहीं थे, इन्होंने पोस्टर सी। तो थैंक्स, अभी आपने हमारे को 6 लाख सब्सक्राइबर पहुँचा दिया है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पे बिलीव करते हैं और रियली मैं आपको सच बोलता हूँ, बहुत हमारा क्रिटिसिज्म होता है, मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं वही बोलता हूँ हमेशा, और उसी एक्सपीरियंस से पहले कोई ये बिलीव नहीं करता था कि कोई ओलंपिया में हिंदुस्तान मिल जाएगा और हम गए और 2 साल लगातार मेडल लाए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे यू, ईमानदारी काम आपको पे करता है और हम ऐसे ही कोई फेक बात आपको बताने वाले नहीं हैं। और मैं आज आपको थैंक यू बच्चों, थैंक यू, आज मैं आपको बताने वाला हूँ थैंक यू इंजरीज के बारे में, लोअर बैक इंजरी एंड शोल्डर। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चों को लोअर बैक का इंजरी हो जाता है और फिर शोल्डर का इंजरी, हाउ टू रिकवर दैट। सबसे पहले मैं आपको पहले शोल्डर और पहले मैं आपको इसको एक थेरेपी ले जाता हूँ, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप आ जाइए, अपने घर पे भी कर सकते हैं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जो आपको कभी भी बुरी चोट लग जाए, हमारे साथ एक बच्चा है नवीन, ले रहा हूँ, ये नवीन है। नवीन आपको 190 बेंच प्रेस कर रहे थे, इसका मसल फट गया था और ब्लैक हो गया एकदम। मैंने इसको, ये नहीं कि मैं डॉक्टरी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैंने इसको अपनी थेरेपी से इसके पीछे पढ़ा रहा 15 से 20 मिनट इसको आइस क्यूब लेके और सेक करता रहा, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से, फिर आहिस्ता अभी फिर ये उसी में आ गया। ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये पेड नहीं है, सब बच्चों को जो मैं करता हूँ वही मैं बोलता हूँ। अभी आपको मैं बैक इंजरी के बारे में दिखाता हूँ, आइए बैक इंजरी के बारे में। सपोज इस बच्चे ने गलत पोस्चर में स्क्वाट किया या डेडलिफ्ट कर रहा था और कोई भी गलत से इसको इंजरी हो गई, और मैंने ऐसे भी बच्चे मेरे पास आए हैं जो बिल्कुल वहाँ से उठ ही नहीं पाए, उसके बावजूद मैं उनको उठा के यहाँ पर लाया। सबसे पहला काम, कभी भी ऐसा काम हो जाए घर में भी, कोई चीज़ उठाते हुए आपको लोअर बैक में इंजरी हो जाए, तो सबसे पहला काम है ये 2 आइस क्यूब के पैकेट ये ले लेने, और ये इसमें ऑलरेडी कवर है, अदरवाइज डायरेक्ट आइस नहीं लगानी। और अगर कुछ बच्चा ज़्यादा हिम्मत ना रखे तो पतला कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन ये इसमें ऑलरेडी कवर है। इसको यहाँ क्यों मुकेश जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ, हम कितनी बारी रोज इंजर्ड हो जाते हैं और अपना इलाज खुद ही करते हैं। इसको ऐसे 4 से 5 मिनट ऐसे थोड़ा प्रेस, बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना, करते रहना है। उसको लगेगा शुरू में बहुत इचिंग होगा, उसको लगेगा यार ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका इलाज यही है। फिर इसकी पोजीशन भी चेंज कर देना है यहाँ, ये इसलिए कि जो भी उसका आसपास का सूजन है वो भी वहाँ पे, उसको वहाँ भी आराम मिले। हम क्या करते हैं एक ही जगह पे नहीं, इसको थोड़ा नीचे ला के यहाँ तक इसको लाओ, 3 से 4 मिनट, फिर 3 से 4 मिनट इधर ऐसे, और फिर इधर। इसका एक और इलाज बताता हूँ मैं, गर्म पानी लाओ, इसका मैं दूसरा इलाज बताने वाला हूँ। जैसे ये गर्म पानी है और इसमें थोड़ा नॉर्मल कर लो ताकि वो पीठ पे उसको ऐसा ना लगे। अभी मैं रियल मायने में, आप घर पे आज ही करके देख लें मेरे ये करने के बाद, और जब भी आपकी बैक स्टिफ हो जाए ट्रेनिंग के बाद या किसी काम के बाद, आप बहुत ज़्यादा पैदल चल के आए हैं और ये बैक स्टिफ हो गई आपकी और आपको लग रहा है कि मेरी कमर गई और इसका पानी निचोड़ देना,
अब ये निचोड़ दिया और ये गर्म टॉवल है, इसको यहाँ ले आए। इसका आपको इतना रिलैक्स मिलेगा। दो टॉवल रखें, फिर एक जब ये ठंडा हो जाए तो दूसरा रख दें। ये आपको इतना तरीका, ये थेरेपी भी बड़ी कामयाब है। आइस के बाद इसको ऐसे कर लें, फिर बाद में थोड़ा बाम बाम लगे। इसको जब ये हो जाए, इसको अच्छे से पोंछ के रिलैक्स करके, और ये रोज की बात है, जिम के अंदर इट इज यू नो, उसको बाम देना है और चारों तरफ, ये नहीं कि वहीं लगा के छोड़ दें, आस पास। फिर उसको थोड़ा गर्म कपड़ा पहन के और उसको बैठ जाना है। ये इसका बेस्ट, रियल मायने में बोल रहा हूँ, हम करते हैं, हमारे साथ होता है और हम करके आपको बता रहे हैं, आप करके देखिए फिर मैं बताऊँगा। चलो लोअर बैक के बारे में बता दिया, अब शोल्डर की बात है। जबकि नवीन इधर आओ, इधर आओ, जब मैंने बताया कि इसका मसल फट गया था, उठाओ उतारो, कहाँ इंजर्ड हुआ था बताओ, ये पूरा मसल, और मैंने इसको कहीं नहीं जाने दिया, इसको यहाँ ऐसे रख दिया। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं शोल्डर की बात कर रहा हूँ, और जब ये शोल्डर में आ गया तो ऐसे इसको मैंने ऐसे ही ठीक किया। अभी मुझे क्या हो, शोल्डर पे इसको पकड़ के, और अगर नहीं हो तो कोई रैप करके इसको बांध देना है, फिर इसकी पोजिशनिंग ज़रूर चेंज करते रहना है, फिर इसको यहाँ भी ले आना, तीन तीन चार चार मिनट में पोजिशन चेंज करते रहना है और ये पानी बन जाए। फिर मेरे खुद लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरा बैक और शोल्डर इंजर्ड हुआ है, और मैं मार्डोवा में, मैंने पहले बताया मैं गिर गया था, मैंने जो रिकवरी किया, मेरे जिम में एक बार मैं बेड के ऊपर गिर गया था, रेलवे का ट्रायल था। सबसे ज़्यादा जो अगर शोल्डर को ठीक कर रहे हैं उसका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मुझे जी ज़रा स्ट्रेच करना, ये आप इसको होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड्स, ये बेस्ट एक्सरसाइज। आपको थोड़ा पेन होगा लेकिन उस पेन को अगर आपने बेयर कर लिया और मसल को स्ट्रेच, फिर नीचे लाना आराम से लाना है। कुछ लोग बहुत तेजी से छोड़ो, अब छोड़ो ऐसे कर, ये गलत है, फिर इंजर्ड हो जाएगा। आराम से दोबारा करो, एक बार में 3 से 4 रैप 30-40 सेकेंड्स के, दिन में 3 बार, इसके बाद दूसरा स्ट्रेचिंग करो। जब ये अगर पेन भी है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगा, शुरू में पेन होगा लेकिन आप देखते जाएंगे उसकी स्टिफनेस खत्म हो, कभी कभी वो स्टिफ हो जाता है इंजरी की वजह से, फिर दोबारा करो। हाँ चलो, ये दिन में 3 से 4 बार आपको घर पे करना है, और शोल्डर की रिकवरी का ये बेस्ट तरीका है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पीछे वाला भी मेरा स्ट्रेच, यहाँ भी, ये भी आपको अच्छा स्ट्रेच यहाँ पे जोर पड़ेगा, और स्ट्रेचिंग ही रिकवरी का बेस्ट। देखो जब भी स्टिफ बॉडी होता है, जो स्टिफ बॉडी है वो इंजरी ज़्यादा लेता है, और जो फ्लेक्सिबल बॉडी होता है उसको इंजरी कम आता है। ऑलवेज डू आफ्टर एक्सरसाइज, उस टॉपिक पे भी आऊँगा, जब भी आप अपना वर्कआउट फिनिश करें तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करके जाएँ टू कूल डाउन द मसल। आपको बताया कि हमने चोट को ठीक किया, पहले हमें ये जाना है चोट लगती क्यों है, चोट लगती है गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से। जब हम गलत करेंगे, जिस तरीके से उठाना उस तरीके से नहीं उठाएंगे, और ये सेंसिटिव पार्ट्स हैं, 3 पार्ट बहुत पावरफुल हैं, ज़िंदगी में याद रखना, शोल्डर बैक, ये अगर उठाएंगे तो 400-500 किलो भी उठा सकते हैं, अगर ये इंजर्ड हो गए तो आपका हाथ भी नहीं उठेगा, आप कमर ऐसे भी नहीं कर सकते। सो दिस इज मोस्ट डेलिकेट पार्ट्स एंड मोस्ट पावरफुल। अब इनको पावरफुल बनाने के लिए, ताकि चोट लगे ही ना, उसके लिए मैं 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ। नितेश एक राउंड दो, एक राउंड दो छोटी, पहले एक सबसे जरूरी, जब भी आप डेडलिफ्ट या स्क्वाट करें उसके बाद बैक को फ्री करना बहुत जरूरी है। चलिए हाइपर एक्सरसाइज, एक तो ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, हाइपर एक्सरसाइज, यस, इसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। ये 3 से 4 सेट 5-6 रैप
जब भी आप बैक की एक्सरसाइज करें, लोअर बैक की एक्सरसाइज करें, स्क्वाट्स करें, हैवी वेट उठाएं, तो ये 3 से 4 सेट। दूसरा, ये इसको बैक को, लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग भी करेगा। स्टार्ट, नीज बेंड रहेगी, गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर लोअर बैक। हाँ, साइड से ऐसे करो जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ठीक पोजिशनिंग देख लीजिए, कमर बिल्कुल टाइट है इनकी, मैं मुकेश जी की दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथ लोअर बैक, योर लोअर बैक। और नीज देख लो क्या पोजिशन रहेगी एग्जैक्ट, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मेच्योरिटी। अभी यही एक्सरसाइज मैं किसी नए बच्चे को बोलता हूँ, आप आओ, कितना फर्क आ जाता है कि अच्छा मसल लाने में। आप करो, उठाओ, अभी आप उधर करो, उधर करो, चलो करो, गुड मॉर्निंग करो। अब आपने मुकेश जी को देखा, नए बच्चे को देखो, देखो ये कमर भी साथ झुक रही है, रोल भी हो रही है, बेंड भी हो रहा है, और मुकेश जी को और इनमें करने में कितना फर्क था। इसीलिए माली की जरूरत पड़ती है, नए बच्चों के साथ ट्रेनर अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यू विल गेट इंजर्ड। कुछ लोग मेरे जैसे एज बड़ी हो जाती है, बच्चों वाली हरकत शुरू हो जाते हैं, तो ये बड़ा आम है, बिकॉज उनका कॉम्फिटेबल लेवल बढ़ जाता है, वो सोचते हैं जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब गलत है। मैन इज नेवर परफेक्ट, गलतियाँ करेगा, गलतियों से सीखेगा। हमारे यहाँ भी बहुत हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट भी ऐसे हैं, वो अभी ऐसी हरकत करते हैं जब उन्होंने बचपन में नहीं की हरकत, नहीं है मे बी उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब गलत है। हम अपनी कमियों पे बात करते हैं, मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ यार ये ठीक है या नहीं है, तो 4-5 व्यूज ले लेता हूँ, 5 में से जो 3 अच्छे हैं उनको रख लेते हैं, 1-2 तो चलता ही है। यही मुझे बताना था, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप हमारे में बिलीव करते हो, लेकिन आप बिलीव करना, हम हमेशा आप हमारे दिल में हो, हम आपको याद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज मैंने इंजरी के बारे में बताया, और एक और बात बोलने वाला हूँ, हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, हर वीक हम एक मसल पे एक एक एक्सरसाइज का राइट पोजिशनिंग बताएंगे, वो 2 दिन के लिए, 2 या 3 मिनट का, क्योंकि बच्चे बहुत गलत करते हैं, जिम में पूरा जोर लगा देते हैं, पूरी बॉडी का एफर्ट लगाते हैं, लेकिन उस मसल पे जोर नहीं पड़ता जिस मसल के लिए वो ट्रेनिंग करते हैं। अभी हम एक सीरीज लाने वाले हैं, वो आपको शुरू हो जाएगी, और आप उनको एक एक एक्सरसाइज को डेमोंस्ट्रेट करेंगे एवरी वीक 2-2 दिन के लिए, उसकी राइट पोजिशनिंग क्या है, कहाँ पे उसको चोट मारनी है, कहाँ उसको ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो मसल डेवलप होगा। मेरा टैटू भी आ गया, मुकेश जी ने खुदवा के दिया, पैसे उन्होंने दिए, सो दैट्स इट, दिस इज फॉर ओलंपिया, इज ओलंपिया, ठीक है। ये मेरे उस्ताद जी हैं, मेरे मम्मी डैडी, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।